अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस के साथ बैटरी को कैसे टच करना है, और अगर 12 वोल्ट का यूपीएस है, अगर सिंगल बैटरी लगानी है वो कैसे लगानी है, और अगर उसके साथ डबल बैटरी अटैच करनी है तो वो कैसे अटैच करनी है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मेरे पास बैटरी की दो वायर्स हैं, इसके साथ दो टर्मिनल लगे हुए हैं। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले अगर एक अपने सिंगल बैटरी लगानी है तो आपने पॉजिटिव वायर के साथ पॉजिटिव लगा देनी है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा देनी है। ये हमारी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को टच कर देंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ हम नेगेटिव को टच कर देंगे। इसके बाद ये देखिए मेरे पास यूपीएस, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा यूपीएस पावर ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट का यूपीएस है। तो अभी हमने करना क्या है कि इसके साथ मेरे साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी पड़ी हुई है, उसको अटैच करना है। यूपीएस हमने बंद कर लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने पावर केबल यूपीएस की पहले नहीं लगाई हुई, तो आप लोगों की अगर लगी हुई है तो उसको उतारने का है। एक दफ़ा आप केबल्स को आपस में शॉर्ट कर लें, क्योंकि यूपीएस के अंदर कैपेसिटर लगे हुए थे तो वो चार्ज होते हैं, इसमें अभी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था। तो अभी हमने करना क्या है कि इसके साथ दो टर्मिनल और अटैच करते हैं वायर लगा के, ताकि हम दूसरी बैटरी को साथ अटैच कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको टर्मिनल दिखाता हूँ दूसरे और साथ वायर। ये मेरे पास दो और दूसरे टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ये इसके साथ वायर है। वायर वैसे हमें थोड़ी सी अच्छी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर मेरे पास यही अवेलेबल है, तो डेमो के लिए मैं आपको ये लगा के बता सकता हूँ। वैसे इसके साथ आप डिपेंड करता है कि आपकी चार्जिंग करंट कितनी है, उस हिसाब से आप वायर यूज़ करें, तो मिनिमम 10 mm की वायर यूज़ करें, 10 mm नहीं है तो 12 mm और 16 mm तक आप जा सकते हैं। वो करंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास करंट कितनी है, लेकिन एटलीस्ट ये हमारे पास वायर है, ये 729 की वायर है, टू कोर वायर है। तो ये एज अ डेमो के लिए मैं आपको एक साथ लगा रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर ये वायर है तो आप काइंडली इसको ना यूज़ करें, ये एज अ टेम्प्रेरी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके साथ 10 mm या 12 mm की वायर यूज़ करें। आर डी जो वायर यूज़ हुई हुई है, 8 mm की वायर है, डबल वायर यूज़ हुई हुई है। तो डेमो के लिए मैं आपको सिर्फ बैटरी अटैच करना बता रहा हूँ, आप इसके साथ अच्छी वायर यूज़ कीजिएगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं, वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतार लेते हैं। अब ये देखें, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप बैटरी टर्मिनल लेते हैं तो इनको आपने इनके ऊपर पोलैरिटी लिखी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस हिसाब से लगाना है। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, उसका डायमीटर थोड़ा सा छोटा होता है, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है। वैसे तो बैटरी टर्मिनल के ऊपर लिखा होता है, लेकिन इसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसके डायमीटर से चेक कर सकते हैं। इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका थोड़ा सा कम है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और लगाने से पहले भी आप बैटरी के ऊपर लगा के चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, लेकिन नेगेटिव के ऊपर ये लूज़ है। और ये देखें, ये पॉजिटिव के ऊपर नहीं है, सही तरह से नहीं आ रहा, नेगेटिव के ऊपर बड़ी सही तरीके से आ रहा है। अब हम टर्मिनल्स में वायर्स को लगा लेते हैं। अब इसके दूसरी साइड पे हम टर्मिनल लगा लेते हैं। इस वायर की दूसरी साइड पे नहीं लगाना, दूसरी वायर के एक साइड पे लगाना। सेम उसी तरह हम वायर को बेंड कर लेते हैं। साइड पे हमने तार टर्मिनल में लगा दी थी, दूसरे जो पहले टर्मिनल हमारा लगा हुआ है उसके साथ हमें लगानी है। ये हमारी तार लग गई है, ये नेगेटिव के साथ हमने एक टर्मिनल लगा दिया नेगेटिव का।
अब हमने क्या करना है कि पॉजिटिव के साथ दूसरी वायर लगानी है, इसके साथ एक टर्मिनल हमारा लगा हुआ है और दूसरा ही हमने पॉजिटिव के साथ लगा देना है। देखिए व्यूअर्स, हमारी दोनों वायर्स रेडी हो गई हैं। हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक और टर्मिनल लगा लिया ताकि हम दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकें, और इसी तरह पॉजिटिव के साथ एक और टर्मिनल लगा लिया जिसको हम पॉजिटिव बैटरी के साथ दूसरी बैटरी के साथ लगा सकेंगे। तो हम देखें, अब ये दोनों वायर्स ब्लैक हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा अगर बैटरी किसी जगह पर पड़ी हैं जहाँ पर हमें प्रॉपरली उनके पोलैरिटी नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए करना क्या है, हम इसको ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। वैसे तो वायर्स अगर मुख्तलिफ कलर्स की होती तो ईजी रहता। अब देखिए नेगेटिव के साथ तो ब्लैक वायर है तो ईजी है, तो ये अभी रेड वायर है तो इसके साथ हम इसको टेप कर लेते हैं ताकि हमें पॉजिटिव वायर है। ये पहले हम अपने जो बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। ये हमारे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है और इसके साथ हम इसको लगाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पे हम लगा लेते हैं। लगा के हम इसको प्रॉपरली टाइट कर लेते हैं, इसको आप ऐसे रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो टर्मिनल आपका जो है वो नीचे तरफ प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के साथ आप इसको थोड़ा सा आप टाइट कर लें। आपने बस इतना ही टाइट करना है कि ये टर्मिनल आपका लूज़ ना रहे, इतना भी टाइट नहीं करना कि आप इसको टाइट कर करके तोड़ दें या टर्मिनल ख़राब कर दें। आप देखिए ना ये हिल रहा है और ना ये उतर रहा है, तो इसके लिए इतना टाइट करना इनफ है। अब ये देखें, यही टर्मिनल हमने दूसरी बैटरी के साथ जो वायर इसके साथ लगाई थी हम दूसरी बैटरी के साथ भी अटैच कर देते हैं। इसको हम इसके साथ लगा देते हैं पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ लगाने के बाद हम इसको भी टाइट कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर। अब ये देखिए हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसको हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने का ध्यान दौरान रहे कि दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट ना हो, अगर शॉर्ट होंगे तो फिर काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो अब जो हम नेगेटिव है, इधर भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, ये भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद हम इसको टाइट करते हैं। ये हमारा ये टर्मिनल भी टाइट हो गया है, ये टर्मिनल भी लग गया है। अब हम अपनी यूपीएस को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए यूपीएस मेरा ऑन हो गया और उसने बैकअप देना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसको चार्जिंग लगा लेते हैं। चार्जिंग लगा के देखते हैं कि बैटरी और प्रॉपर चार्ज हो रही है या नहीं चार्ज हो रही। ये देखिए मैंने इसकी इनपुट ऑन कर दिया है, इनपुट यहाँ पे आना शुरू हो गई है और इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी। आपके पास मीटर है तो आप मीटर से बैटरी के वोल्ट चेक कर सकते हैं। अभी देखिए नेगेटिव पर मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ और पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगा रहा हूँ। मेरे पास जो बैटरी के वोल्ट हैं इसको वोल्ट भी रख लेते हैं, इसी पर 13.86। अभी ये दोनों बैटरी क्योंकि पैरेलल में अटैच हैं तो दोनों के वोल्ट सेम ही शो होंगे। तो अभी हम इसके एम्पीयर चेक कर लेते हैं। एम्पीयर के लिए हम इसको रखिए, इसको ज़ीरो कर लेते हैं। ज़ीरो करने के बाद हम इसकी बैटरी वायर किसी में भी डालेंगे तो ये देखें 13.4। होपफुली दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि इस तरह की मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। Thank you for watching. Allah Hafiz.